दिनों यूपी के पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने दो बड़े फैसले लेकर यूपी के सर्द फिजा में सियासी तपन बढ़ा दी। पहले सांसद दानिश अली को पार्टी से बेदखल किया, फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का सबसे बड़ा और अहम पद देकर विरोधियों को भी चौंका दिया। आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने पर अब मायावती विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। बसपा अध्यक्ष को एक आंख ना भाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने उन पर वार किया है। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का एक पुराना वीडियो शेयर किया और लिखा, मान्यवर काशीराम जी ने जब इस पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 को रखी थी तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना हो तो अपने परिवार रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखूंगा। इस प्रकार मैंने भी मान्यवर काशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर ये फैसला लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तब तक मैं अपने रिश्ते नातों भाई बहनों को राजनीति से दूर रखूंगी। साफ है मायावती का ये पुराना बयान याद दिलाकर चंद्रशेखर आजाद उनके इस फैसले को परिवारवाद से जोड़ रहे हैं, वो परिवारवाद जिसका आरोप अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगता आया है और अब इस लिस्ट में मायावती की पार्टी भी शामिल हो गई है। बता दें कि चंद्रशेखर से पहले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी भी इस फैसले पर मायावती को घेर चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो माननीय काशीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई है। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी की हालत लगातार खस्ता हुई है। पार्टी के संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके चले गए और आज बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से उत्तराधिकार तय करने का काम किया है, स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। बता दें कि 10 दिसंबर को मायावती ने बसपा की बैठक की थी जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत राज्य के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को बसपा की कमान सौंपने का ऐलान किया था।